फ्रेंड्स ये हैं पेटीकोट जिन्हें मैं यूज नहीं करती हूँ अब, तो इनका कैसे रियूज कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी। तो पेटीकोट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ये है कॉटन का और ये है शायद साटन का। और ये पता नहीं कैसा है कपड़ा, कुछ कुछ शाइनिंग है इसमें। तो इस तरह के पेटीकोट जैसे हैवी साड़ियां होती है उनको हम एक दो बार पहनते हैं फिर पहनते नहीं, तो ये पेटीकोट ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, मतलब ये हमारे किसी काम के नहीं रहते क्योंकि हम उन साड़ियों को बार बार तो पहनते नहीं। इन पेटीकोट को हम कैसे यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी, और उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी क्योंकि सारे आइडियाज बहुत ही अच्छे होंगे, इतना मुझे यकीन है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं उर्मिला गर्जस हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैंने पेटीकोट को इस्तेमाल करने के 12 तरीके बताए हैं, जिसमें ना तो आपको कटाई करनी है ना सिलाई करनी है, और बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं ये। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तभी आप सारे आइडियाज जान पाएंगे। ये है पहला आइडिया, इसमें मैंने पेटीकोट को ले लिया है और इसे उल्टा कर लिया है। अब मैं ऊपर से मतलब जो निचला हिस्सा होता है पेटीकोट का उसको बराबर बराबर इकट्ठा करके और एक रबर बैंड लगा रही हूँ। तो इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे हम। वैसे मैं ये छल्ले जिसे बोलते हैं वो वाली रबर बैंड है, ये इजीली टूट जाती है, तो आप ऐसी रबर बैंड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रबर बैंड नहीं है तो आप डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही लगानी है, मतलब या तो ऊपर की तरफ लगाएं या इस तरह से थोड़ी सी बीच में लगाएं, तो वो किस हिसाब से लगानी मैं बता दूंगी। तो मैं ये ऊपर वाली खोल देती हूँ और यहाँ पे मैंने लगा ली है रबर बैंड, और इसका जो नाड़ा है उसको मैं बांध देती हूँ अब, ताकि नाड़ा निकल ना जाए। अब इसको मैं इस तरह से फैला लूंगी, ये देखिए जो गांठ है उसको बीच में कर लेंगे इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे रखूंगी वो कपड़े जो मैं स्टोर करना चाहती हूँ, चाहे सर्दियों के हो चाहे गर्मियों के हैं। तो इन कपड़ों को हम क्या करेंगे, थोड़ा लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इसके अंदर रखेंगे, तो गोल सा डिजाइन बनाते हुए मतलब गोलाकार में रखेंगे इसको इस तरह से सर्कल बनाकर, और इसके बीच में कपड़े रखेंगे जो भी हमें स्टोर करने हैं। तो कोई भी आपके पास बेडशीट हो जिसे आप रखना चाहते हैं, कोई ब्लैंकेट हो उसको इस तरह से रोल करें और सर्कल शेप दें और उसके बीच में बाकी के कपड़े रखें। और अगर आप बेडशीट या ब्लैंकेट नहीं रखना चाहते हैं तो कोई भी कुर्ती पैंट जिसे भी आप स्टोर करना चाहते हैं तो सर्कल में ही उसे लगा दें पहले और फिर बीच में कपड़े रखें। इससे क्या होगा, जो भी ये मैं बना रही हूँ ये हम एक सीट के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर सिर्फ हम कपड़े डाल देंगे तो हम सिर्फ कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं उल्टा सीधा डाल देंगे तो, लेकिन एक तरीके से अगर हम इसमें स्टोर करते हैं तो इसको हम दो पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम इसमें कपड़े स्टोर भी कर पाएंगे, साथ ही हम इसे बैठने के लिए भी यूज कर पाएंगे। बिन बैग जो होते हैं उसी टाइप की शेप इसकी आ जाएगी। तो बस जितने कपड़े डालने हैं उतने डालने के बाद हम इसे खींच देंगे। हाँ, रबड़ की बात बता रही थी मैं, अगर आपको ज्यादा कपड़े डालने हैं तो ज्यादा नीचे की तरफ रबड़ लगाएं, और अगर कम कपड़े डालने हैं तो रबड़ की ऊंचाई बढ़ा दें, मतलब ऊपर की तरफ रबड़ लगाएं। तो मैंने थोड़ा सा नीचे से जगह छोड़ के तब रबड़ डाला था पेटीकोट में, तो इतने कपड़े आ गए हैं, और अगर ज्यादा नीचे रखती तो और कपड़े आ सकते थे। तो मैंने यहाँ पे डोरी को अच्छे से खींच दिया है, और इसको अब नाड़ा भी बोलते हैं वैसे हम, तो इसको मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी और एक अच्छी सी सीट बैठने के लिए तैयार हो गई है। इस पे बच्चे बैठ भी सकते हैं और इसको हम कहीं स्टोर करके रखते हैं, अगर हमारे घर में ज्यादा जगह नहीं है तो बुरा भी नहीं लगेगा, है ना, बढ़िया आइडिया। तो देखिए आप लुक कैसा आ रहा है इसका रखने के बाद। अगर आइडिया थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। चलिए हम देख लेते हैं अगला आइडिया। यहाँ पे मैंने ये वाला पेटीकोट लिया है जो थोड़ा सा वेलवेट टाइप का लगता है, लेकिन ये वेलवेट का है नहीं। ऐसे पेटीकोट जो साड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे कि
नेट की, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं इससे इस मोटे का कवर बना रही हूँ। मैंने पहले भी इसके कई कवर बनाए हैं, जैसे पुराने कपड़ों से, दुपट्टे से, वो सभी आपने पसंद किए हैं। उम्मीद है ये कवर बहुत ही पसंद आएगा आपको, क्योंकि मुझे अब तक का सबसे अच्छा कवर यही लगा है। तो यहाँ पे मैं पेटीकोट को उल्टा करके और इसकी हाइट के अकॉर्डिंग नाप लूंगी। तो मुड्डे की हाइट से थोड़ा सा फालतू रखना है हमें, और रबर बैंड लगा देंगे। इतना नाप लिया, अब मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा दूंगी। जो इस टाइप के छल्ले होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, शायद मैंने पहले भी बोला है अभी, तो आप दूसरी तरह की रबर बैंड लगा सकते हैं, बट मैं यही लगा रही हूँ। तो इसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर का हिस्सा है, सॉरी जो नीचे का हिस्सा है, इस समय वो ऊपर है ना, तो इसलिए ऊपर का निकला है मुँह से। तो जो पेटीकोट के निचला हिस्सा होता है उसको हम इस तरह से रखेंगे उल्टा करके इसके ऊपर, और जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें नाड़ा होता है उसको इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से सेट करेंगे। तो थोड़ा सा समय लग सकता है सेटिंग में, और अगर छोटा पड़े तो हम थोड़ा सा और खींच लेंगे, और अगर पूरा ठीक है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ऊपर रबड़ है तो ईजिली ये खींच भी जाएगा, और नीचे नाड़ा तो पहले से ही डला हुआ है, तो बस इसको खींच के बांध देंगे और एक सुंदर सा कवर तैयार हो जाएगा। इसको फिर हम लेस से भी सजा लेंगे। लेस से सजने के बाद तो इसका लुक इतना बढ़िया आएगा कि मैं खुद हैरान थी कि पेटीकोट से इतना सुंदर कवर कैसे बन सकता है। ये सारे आइडियाज मैं वीडियो बनाते बनाते ही कर रही हूँ, पहले मैंने इन्हें नहीं ट्राई किया है, तो उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएंगे। तो यहाँ पे हम लेस को पिनअप कर सकते हैं, नहीं तो आप वेलक्रो लगा सकते हैं, और इस लेस को हम जब कभी भी कहीं और किसी काम भी ले सकते हैं, अगर हम वेलक्रो लगाते हैं या पिनअप करते हैं तो। और अगर आप कहीं और यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक बार में ही इसको टाका मार दें तो पक्की हो जाएगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मेरे पास एक और लेस है जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लग रही है, तो मैं इसको भी पिनअप कर सकते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ पे पिनअप नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसमें गांठ लगा दूंगी और आपको लगा के बताऊंगी कि ये कैसी लग रही है। बाकी मैं इसको बाद में इसके कवर के रूप में ही इस्तेमाल करूंगी, ये तो मैंने आज पक्का सोच लिया है। वैसे तो मैं बदलती रहूंगी, अब तो मेरे पास कई आइडिया है इसके कवर के लिए, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो अगले आइडिया में इसी की तरह मैंने कवर बनाया है, लेकिन वो बाल्टी का, ये पुरानी बाल्टी मेरे पास रखी थी, तो इसको आज हम यूज़ कर लेंगे। तो एक पंथ दो काज होने वाले हैं आज हमारे इसके साथ साथ। तो मैंने इसको उल्टा करके इसके ऊपर ये कुशन रख दिया, और जैसे अभी मैंने मुड्डे का कवर बनाया था वैसे ही इसका भी बनाऊंगी। आप चाहे तो हैंडल निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, तो मैं फिलहाल इसके लिए हैंडल नहीं निकाल रही बाल्टी का, सिर्फ उसी तरह से जैसे अभी मैंने बनाया था इसका कवर बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम एक सुंदर सा स्टूल बना सकते हैं बैठने के लिए, और मेरे जैसा भारी भरकम इंसान भी इस पर बैठ सकता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये आइडिया भी। अब है आइडिया नंबर 4। तो मैंने पेटीकोट को उल्टा कर लिया और बीच में रबड़ लगा लिया है हर बार की तरह, और पेटीकोट का निचला हिस्सा नीचे रखा है मैंने, और नाड़े वाले हिस्से को ऊपर रखा है। तो और जो रबर बैंड लगी है वो गांठ बीच में कर ली है। अब इसमें थोड़े से मैं कपड़े डाल दूंगी जो भी आपको यूजलेस लगते हैं, फिलहाल तो मैं वही डाल रही हूँ जो मेरे आसपास है। तो इन कपड़ों को इसमें डाल के और हम ऊपर से सारा कपड़ा हाथ में बराबर बराबर इकट्ठा कर लेंगे,
और एक रबड़ लगा देंगे और एक हमारा सुंदर सा कुशन तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें फाइबर भी फिल कर सकते हैं, उससे तो बहुत ही प्यारा कुशन बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रबड़ लगा दिया और एक फूल सा बन गया है ये। और ये रखा हुआ भी अच्छा लगेगा, पीछे से भी अच्छा लगेगा, मतलब आप इसे दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ये लग रहा है ना बढ़िया दोनों तरफ से। अब आइडिया नंबर 5, तो यहाँ पर फिर से मैंने रबड़ लगा लिया है। अब कि हम क्या करेंगे, नाड़े वाले हिस्से को नीचे रखेंगे और जो पेटीकोट का ऊपरी हिस्सा होता है उसको ऊपर रखेंगे और पहले की तरह ही फैला लेंगे इस तरह से। और इसमें मैंने थोड़ा सा गार्ड को नीचे कर दिया था, मतलब रबर बैंड को। तो रबर बैंड को आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। इसमें भी आप फाइबर या पुराने कपड़े भर लेंगे और नाड़े को खींच देंगे और एक तगड़ी सी गांठ लगा देंगे। तो मतलब खींच के एकदम टाइट गांठ लगा देंगे और पूरे नाड़े को, कोई नाड़ा बोलता है, कोई डोरी बोलता है और कोई फीता बोलता है, जो भी आप बोलते हैं, बस उसको आपको अंदर कर देना है। अब चाहे इसे आप चेयर पर रख कर बैठने के लिए इस्तेमाल करें या अपने सोफे पे लगाएं, बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ये। एक कुशन बन गया है प्यारा सा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी ज़रूर पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। अगला आइडिया, अब मैं बना रही हूँ एक कुशन कवर। तो मैंने कुशन को बीच में रख दिया है पेटीकोट के और एक पिन लगा दी है, सेफ्टी पिन। और इसको इस तरह से मैं सेट करूंगी। ये देखिए, मतलब मैंने निचला हिस्सा पहले ऊपर की तरफ कर दिया, फिर ये जो डोरी वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ और खींच के कस दिया है इसको और अंदर डाल दिया है डोरी को और इसको सेट कर दिया है। और पिन लगा दूंगी मैं सेट करने के बाद। तो दोनों तरफ से पिन अप करेंगे, पिन अंदर की तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ ना आ जाए ताकि किसी को चुभने का खतरा ना रहे। तो सेफ्टी तो सबसे पहले है। और एक लटकन मेरे पास रखी थी तो यहाँ पर बीच में मैं लटकन को लगा दूंगी। पिन से आप अगर कोई लटकन लगाना चाहते हैं तो आप टाका भी मार सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा ये आइडिया। चलिए अब पढ़ते हैं हम अगले आइडिया की तरफ। तो इस तरह के बॉक्स हमारे पास आते रहते हैं कार्डबोर्ड के। हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर का सारा हिस्सा अंदर की तरफ दबा देंगे और ले लेंगे एक पेटीकोट जिसका हम नाड़ा अच्छे से बांध देंगे टाइट करके। अब उस पेटीकोट को इस कार्डबोर्ड के नीचे रखेंगे और पेटीकोट का जो निचला हिस्सा था उसको अंदर की तरफ डाल देंगे, मतलब नाड़े वाला हिस्सा इसके नीचे चला गया है और जो ऊपरी हिस्सा था वो हमने अंदर डाल दिया है। और जो भी हमें कपड़े स्टोर करने हैं या कोई सामान स्टोर करना है वो इसमें रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना यूजफुल हो गया है, ये दोनों ही चीजें हमारे काम में आ गई है। तो एक पंथ दो काज हो गए हैं और बॉक्स अच्छा भी लग रहा है और हमें रखने में इसे शर्म भी नहीं आएगी। अब है आइडिया नंबर 8। तो यहाँ पे मैंने एक सूटकेस लिया है। सूटकेस जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो उस पर धूल मिट्टी तो चढ़ती ही है, साथ में उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और उसकी शाइन खत्म हो जाती है, रफ सा हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कोई पुराना पेटीकोट हो तो अगर रबर बैंड ना हो तो डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, लगा देंगे रबर बैंड को उल्टा करके इसे पहना देंगे, मतलब पेटीकोट को अब कर लेंगे सीधा और सूटकेस इसके अंदर डाल देंगे और खींच के नाड़े को हम कसकर बांध देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सूटकेस एकदम सेफ रहेगा, धूल मिट्टी से भी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। कहीं पर अगर इसको हम रखते हैं तो रगड़ इसके ऊपर नहीं लगेगी। तो उम्मीद है मुझे आपको ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। अब अगला आइडिया यानी कि नंबर 9, इसमें मैंने एक पैन लिया है। और हमारे जो पैन होते हैं इस तरह के या जो वॉल पे लगने वाले पैन होते हैं वो इस तरह से गंदे हो जाते हैं अगर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उन्हें धूल और डर से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इसको पेटीकोट से कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पेटीकोट और उसके ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में, मतलब इसको मैंने उल्टा किया और नीचे जहाँ पे झालर लगी होती है वहां से इकट्ठा किया और डोरी बांध दी। तो हर बार की तरह बिल्कुल एंड पे बांधी है जहाँ पे झालर है सिर्फ। तो अब मैं पेटीकोट को सीधा करके इसे पहना दूंगी। आइडिया तो मैंने सोचा था कि 10 ही बनाऊंगी, लेकिन पता ही नहीं चला कब 13 आइडियाज बन गए। तो लेकिन ये है कि चलो सभी आइडियाज शायद आपके लिए यूजफुल होंगे, और सभी नहीं तो कुछ तो यूजफुल होंगे ही। अब इस कवर को पहले मैं आगे से सेट कर दूंगी अच्छे से, फिर पीछे सारा ले जाके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है और जो डोरी है यानी कि नाड़ा है इसको अच्छे से बांध देंगे कपड़े को दबाते हुए, ताकि कुछ भी हिले नहीं, अंदर कुछ जाए नहीं, चूहा वगैरह। और देखिए हमारा पंखा सेफ हो गया है। अब आइडिया नंबर 10, इसमें मैंने सिलेंडर लिया है। हर बार की तरह सिलेंडर पर मैंने प्लाई रख दी है जो कि मेरे पास है, हर बार मैं उसे रखती हूँ। तो बस मैं इसे जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। हाइट के हिसाब से आपको यहाँ पे उल्टा करके पेटीकोट में डोरी या डॉर्बन डाल लेनी है और इसे पहना देना है, और आप ऊपर कुछ भी सजा सकते हैं। आइडिया नंबर 11 में मैंने एक पेटीकोट लिया है, इसको मैंने सीधा रखा है और इसके अंदर जो भी बेडशीट वगैरह मुझे स्टोर करके रखनी है उसे रख लूंगी, और चादर के हिसाब से मतलब जो भी बेडशीट है उनके हिसाब से मैं इसे सेट कर लूंगी, और पीछे की तरफ मैं पिन अप कर दूंगी। वैसे मैं पिन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रखना नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। तो अच्छे से सेट करके अगर हम पिन लगा लेते हैं तो ये एक सीट की तरह तैयार हो जाएगा, और इस पे बच्चे बैठ भी सकते हैं या आप अपने बेड पर सिरहाने की तरफ रख सकते हैं, तकिए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है आइडिया नंबर 12। तो ऐसे पेटीकोट जो होते हैं काटन वाले, इनमें कई बार अंदर अस्तर लगा नहीं होता है अगर हम रेडीमेड खरीद लेते हैं, तो सर्दियों में या गर्मियों में भी ये हमारी टांगों में चिपकते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, और जैसे कि इस पेटीकोट में अस्तर लगा है वैसे ही हम इसमें भी अस्तर लगा लेंगे अगर हमें इसे आगे पहनना है तो, मतलब कोई भी पेटीकोट जो आपको पहनना हो अस्तर ना हो तो उसमें आप अस्तर लगा सकते हैं। पुराने पेटीकोट से आप उससे मिलते जुलते कलर का पेटीकोट लें जिसे आप नहीं पहनना चाहते हैं आगे, नहीं यूज कर रहे हैं, या जो थोड़ा पुराना हो गया है, यूजलेस है, तो आप उसको इसके अंदर डाल लें। इसके अंदर डालने के बाद दोनों के नेफे को पकड़ के अच्छे से सेट कर लें। अब हम क्या करेंगे, जो अस्तर वाला है उसका नेफा नीचे की तरफ करेंगे और इसके साथ सिल देंगे, मतलब उसका नेफा ऊपर की तरफ रहे जो साटन का है और कॉटन वाला अंदर की तरफ रहे, इस तरह से। आप चाहें तो नेफे को काट के अलग भी कर सकते हैं नीचे वाले पेटीकोट के। अगर ऊपर का कपड़ा फालतू है तो ऊपर चुन्नट डाल दें, क्योंकि नेफे दोनों के बराबर तो होंगे नहीं, तो दोनों का बेल्ट बराबर नहीं है तो ऊपर या नीचे छोटा होगा, जो भी बड़ा है उसकी चुन्नट डाल लें। इस तरह से हमारे पेटीकोट में अस्तर लग जाएगा। और मुझे उम्मीद है आज के सारे आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।